आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये कल के क्लास का ही सेशन है। आज जो टॉपिक है वो इंसर्ट के अंदर आपका पाइवट टेबल है। कल भी हमने आपके बारे में पाइवट टेबल के बारे में डिस्कस करा था, आज भी हम एक बार दोबारा से टॉपिक को डिस्कस करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक यूज़ होता है वो होता है आपका पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का यूज़ मैंने आपको कल ही बताया था, ये तीन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पहला डाटा का समराइज़ करना, डाटा का एनालाइज करना, और थर्ड होता है डाटा का रिप्रेजेंट करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप पाइवट टेबल लगाओगे तो आप ये अपने आप को देखोगे कि हमारे डाटा में कोई भी गैप ना हो। अगर आपके डाटा में कोई भी गैप हुआ तो पाइवट टेबल पूरी तरीके से नहीं लगेगा। तो आप सबसे पहले जब आप पाइवट टेबल लगा रहे हैं तो अपने आप को ये देख लीजिए कि बीच में कोई गैप ना है। अगर सर मेरे डाटा में गैप हुआ तो मैं क्या करूँगा, पाइवट टेबल लगाते वक्त मैं पूरे एरिया को सिलेक्ट करके ही पाइवट टेबल लगाऊँगा, ये अपने आप फिक्स कर लूँ। कई बार मैंने कल भी इस बात को बोला था, कई बार इंटरव्यू के अंदर वो क्या करते हैं, ऊपर तक तो नीचे कॉलम अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, कहीं बीच में एक रो को इंसर्ट कर देते हैं या एक रो के बीच में गैप डाल देते हैं और कहते हैं कि आप पाइवट टेबल लगाओ। जब आप पाइवट टेबल लगाते हो तो एक्सेल क्या बताता है कि डाटा कब तक अप्लाई हो रहा है, A1 से लेकर F70 तक, जबकि मेरा रियल में डाटा कितने तक है, रियल में मेरा डाटा है 34,303 तक। ठीक है, तो बताओ इसमें मेरे को इशू आएगा नहीं आएगा। तो बस सबसे पहले तो अपने आप को ही देखो कि बीच में कोई गैप है या नहीं। सर मुझे कैसे पता चलेगा गैप है या नहीं, तो आप क्या करो पहले पूरे एरिया को सिलेक्ट करो और यूज़ करना एक शॉर्टकट की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस R। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट R दबाएंगे तो किसी चीज़ को इस तरीके से ड्रैग करेंगे, इसके बाद कंट्रोल D दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट D, तो पूरे एरिया के साथ वो नीचे आएगा और कितने एरिया तक आ गया, 70 तक आ गया। फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट D दबाइए और फिर कंट्रोल शिफ्ट D दबाइए, तो देखिए पूरा एरिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट R फॉर राइट, कंट्रोल शिफ्ट फॉर D फॉर डाउन, और फिर अगेन कंट्रोल D, अगेन कंट्रोल D, तो पूरा एरिया क्या हो गया आपका सिलेक्ट। तो ये एक तरीका है आपको पाइवट टेबल लगाने से पहले ये देखना कि बीच में कोई गैप ना हो। दूसरी चीज़, आप लास्ट एंट्री ज़रूर देखना, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल ठीक है डाउन एरो होती है ना, ये वाला कीबोर्ड का ये वाला बटन, ये वाला एरो, बस कंट्रोल डाउन दबाना है, यहाँ क्लिक करो और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन दबाओ तो ये लास्ट कॉलम पर ले जाता है जहाँ भी आपका डाटा हो। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको डाटा लास्ट कहाँ है। इसके बाद आप क्या करना, पाइवट टेबल लगाते वक्त ये देख लेना मेरी हेडिंग ब्लैंक ना हो। क्या ना हो, मेरी हेडिंग ब्लैंक ना हो। अगर आपकी हेडिंग ब्लैंक हुई और आपने पाइवट टेबल इंसर्ट करा तो ये हमें एक मैसेज दे देगा कि हेडिंग मस्ट बी ठीक है फिल होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज ये पाइवट टेबल लगेगा ही नहीं। तो ये दो चीज़ें आपको बेसिक कंडीशन में याद रखनी है कि पाइवट टेबल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए और दूसरा हेडिंग कोई मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पाइवट टेबल पे आना, क्लिक करना और ओके करना। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नई शीट क्रिएट होगी, उसके अंदर सबसे पहले पाइवट टेबल का नंबर आएगा, नंबर क्या होगा आपका 1 आएगा, और यहाँ पर आपको जितनी आपकी हेडिंग थी वो सभी हेडिंगें शो हो जाएंगी। बस मुझे करना क्या है, नाम को हटा के रो में रखना है तो डाटा रो वाइज आएगा, मुझे कॉलम में रखना है तो डाटा कॉलम वाइज आएगा, तो जैसे मैं रखूँगा उस तरीके से मुझे मिल जाए। उसके बाद मुझे अगर ये पता करना है कि मेरे किस सिटी में कितने लोग काम कर रहे हैं, मुझे पता करना है, मेरे पास सिटी है, मैं नाम को हटाता हूँ यहीं ले जाता हूँ, सिटी को लाता हूँ यहाँ लाता हूँ, सिटी मेरे पास टोटल कितनी है, इतनी सिटी है, 7 सिटी, कितनी सिटी है मेरे पास टोटल 7, लेकिन मेरी 7 सिटी में कितने लोग काम कर रहे हैं ये मुझे पता करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और नेम को उठाकर कहाँ डाल दूँगा, वैल्यू में। तो बता रहा है दिल्ली में 1 एम्प्लॉई है, जयपुर में 567 हैं, कानपुर में 566, ये हमारे पास टोटल एम्प्लॉई है ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता करना है, मैं काउंट को उठा के यहाँ रख देता हूँ, सिटी को यहाँ रख देता हूँ, नेम को उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो सुनील 309 है,
ठीक है, टोटल सिटी के अंदर कितने, मतलब यहाँ जो नाम मैंने लिखा है ना सुनील, ये जो सुनील है इसके अंदर जो सिटी है ना वो टोटल कितनी है 339, क्योंकि नाम भी सुनील कितनी बार है 339 बार, सिटी भी कितनी है 339 बार कानपुर। तो ये हमें टोटल बता रहा है, सुनील 339, कविता हमारी 618, 309, मयंक 618, नीरज 308। तो किसी चीज़ का हमें यहाँ सम मिल गया, लेकिन हमारे लिए ये टास्क नहीं है, हमारे लिए अभी समझना इम्पोर्टेंट है। तो आइए ये चीज़ें याद रखना कि पाइवट टेबल में चार ऑप्शन है, पहला रो वाइज है, दूसरा वैल्यू वाइज है, तीसरा कॉलम और फोर्थ होता है रिपोर्ट फिल्टर। तो तुम्हें जैसा वैल्यू चाहिए उठा के उसको यहाँ रखना है। तो क्या होगा, जो डाटा में डुप्लीकेट है, जो डाटा में डुप्लीकेट है वो पाइवट टेबल में आपको यूनिक मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे। ये सबसे अच्छा, अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर ये डाटा इसके अंदर ना आपने रिमूव कर दो, किसको, डुप्लीकेट को, मैं इसके अंदर क्या लगाता, पाइवट टेबल लगाता, इतने एरिया को कॉपी करता और यहाँ पेस्ट कर देता, बस। तो क्या मिलता है मुझे, यूनिक मिलता है। क्या मिलता है मुझे, यूनिक मिलता। तो पहला तरीका ये। दूसरा, मैं चाहता हूँ सुनील किस सिटी में काम करता, तो सिटी उठाकर नेम से पहले रख दो, किससे पहले रख दो, नेम से पहले। तो यहाँ पर इस पर जाओ, ठीक है, तो देखो यहाँ एक आपको मिलेगा, जयपुर में कौन है, सुनील है, कविता है, मयंक है, नीरज है, कानपुर में कौन है, न्यू दिल्ली में कौन है, नोएडा में कौन है, पटना में कौन है, ठीक है, और पुष्पा में, ठीक है, पुणे में क्या है। दूसरा, पाइवट टेबल इतना डायनेमिक है, अगर तुमने यहाँ वन लिखा ना, पटना वन कर दिया, तो यहाँ देखो एक शीट अपडेट हो जाएगी, बट तुम क्या करना, राइट क्लिक, रिफ्रेश, जैसे ही करोगे तो नया डाटा आ जाएगा, पटना वन, और पटना वन में कौन है, पुनीत है। इसलिए लोग अपने डायनेमिक डाटा को बनाने के लिए किसकी मदद लेते हैं, पाइवट टेबल की लेते हैं, और वह हर बार डाटा को क्या करते हैं, राइट क्लिक, रिफ्रेश, राइट क्लिक, रिफ्रेश, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि दिल्ली में कितनी क्वांटिटी सेल करी, तो जिस चीज़ की आपको कैलकुलेशन चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, बस उसको उठा के कहाँ डाल दो, वैल्यू में डाल, कहाँ डाल दो, वैल्यू। जैसे ही डालोगे तो यहाँ दिल्ली में कितनी क्वांटिटी है, 35 क्वांटिटी है, जयपुर में कितनी, 28,028, कानपुर में इतनी है, न्यू दिल्ली में इतनी है, नोएडा में इतनी है, पटना में इतनी है, पुणे में इतनी है, और पटना वन में इतनी है। क्लियर। अगर आप तुम इसका समनी एवरेज चाहते हो तो इस पर डबल क्लिक करना, जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो काउंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, काउंट। तो क्या निकाल लोगे इसका, काउंट। इस पर डबल क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। मानो हमने इसका सम निकाला, क्या निकाला, सम। अब हमें इसके क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए हमें इसकी, एवरेज। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को उठाएंगे और यहाँ क्या डाल देंगे, यहाँ, और यहाँ पर डबल क्लिक करके क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो हम एक कॉलम को मल्टीपल यूज़ भी कर सकते हैं, हम सम भी कर सकते हैं, क्वांटिटी भी कर सकते हैं, और जो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसमें इशू नहीं है, कितनी बार भी यहाँ पर इस डाटा को रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको उस टॉपिक की नीड ना हो तो उस टॉपिक को हटा दो, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को, कल मैंने यही टॉपिक आपको यहाँ तक बताया था, और एक चीज़ आपके डिज़ाइन कल थोड़ा बहुत मैंने ये फिनिश करवा दिया था। आज हम लोग इसमें थोड़ी सी अलग तरीके से काम को स्टार्ट करेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आज हम ग्रुपिंग सीखेंगे, क्या सीखेंगे हम लोग, ग्रुपिंग, क्या सीखेंगे हम, ग्रुपिंग सीखेंगे। तो चलिए हम पाइवट टेबल में ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने कल भी दिया था और आज भी दे दिया आप लोगों को, आइए ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ कम डाटा ले लेता हूँ, मैंने 30 तक डाटा लिया है ओनली, कॉपी करा मैंने और कंट्रोल एन करके कंट्रोल वी करके एक नई शीट पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर अब मेरे पास एक D1 है, D2 है, D3 है, D4 है और D5 है, चार है हमारे पास। अब हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो मैंने सबसे पहले पाइवट टेबल लगाया, इंसर्ट पे गया, पाइवट टेबल पे क्लिक करा और ओके कर दिया, एक नया आगे पाइवट टेबल 2, मैंने नेम को उठाया यहाँ रख दिया और क्वांटिटी को उठाया यहाँ रख दिया।
मैं चाहता हूँ मुझे एक और बनाना है, मुझे इन सब का एक ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप, ताकि उनका टोटल एक जगह दिखे, जिनका टोटल मुझे क्या दिखे, एक जगह दिखे। तो एक्सेल के अंदर कैसे करेंगे, पाइवट टेबल में हमें क्या करना है, एरिया को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रुप। क्या मिलता है? ग्रुप। बस तुम किस पर क्लिक कर देना, ग्रुप पर। तो जैसे ही क्लिक करोगे एक ग्रुप आपको और मिल जाएगा, यहाँ ग्रुप आ गया। इसको डबल क्लिक करके चाहो तो इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डी डी ग्रुप, ठीक है, बस आ गया। लेकिन एक बात देना, ध्यान देना, अब यहाँ दो चीज़ें हो गई, एक नेम हो गया, एक नेम टू हो गया। तो आप नेम वाले को हटा दो तो आपका क्या रह जाएगा, खाली नेम टू रह जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप, दोबारा समझ लो मैंने करा कैसे। ये हमारे पास डाटा है, ये डाटा है, हमारे सर कह रहे हैं कि ये जो पांच सिटी है ना, D1 से लेकर D5, इनको एक ग्रुप में रख दो, डी ग्रुप में। किस ग्रुप में रख दो? डी ग्रुप में रख दो। हमारे पास कोई तरीका तो है नहीं कि हम कर पाएँ, तो हमने इस एरिया को इतने को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और कहाँ चले गए हम लोग, ग्रुप में गए। जैसे ही मैंने ग्रुप में करा तो यहाँ पर एक नया कॉलम आ गया, एक नई फील्ड आ गई, जिस फील्ड का नाम क्या है, नेम टू। तो क्या करना, तुम इस फील्ड का जो नेम वन वाला है पहला उसे हटा दो और कौन सा वाला रखो, खाली ये रखो, और इसका नाम कर दो आप, क्या रख दो आगे, डी ग्रुप रख दो। क्या रख दो? डी ग्रुप रख दो, बन गया, ठीक है। तो एक्सेल में तीन तरह की ग्रुपिंग, पहली होती है टेक्स्ट ग्रुपिंग, कौन सी होती है आपकी, टेक्स्ट ग्रुप आ जाएगी। दूसरी इसके बाद होती है हमारे पास नंबर ग्रुपिंग, कौन सी होती है, नंबर ग्रुपिंग, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल बी। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं और जिनकी सैलरी है, मुझे एक सैलरी का स्लैब बनाना है, जीरो से लेकर 20,000 तक कितने लोग काम करते हैं, 20,000 एक रुपये से लेकर 30,000 तक कितने काम करते हैं, 30 से 40 कितने, 40 से 50 कितने, 50 से 60 कितने, ठीक है, ग्रुपिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और क्या कर देंगे, पाइवट टेबल को इंसर्ट कर, पाइवट टेबल लग जाएगी, सैलरी को उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, नेम को उठाएंगे यहाँ रख देंगे, आ गई। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और कहाँ जाएंगे, ग्रुप। तो जैसे ही ग्रुप पर क्लिक करोगे जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको शो हो जाएगी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी, और बीच का डिफरेंस कितने का बनाना है, 10,000। जैसे ही क्लिक करोगे ये ग्रुपिंग आ गए, 20 से लेकर 30 में तीन लोग काम करते हैं, 30 से लेकर 40 में कितने लोग काम करते हैं, 16 लोग काम करते हैं, 40 से 50 में 13 लोग काम करते हैं, 50 से 60 में 16 लोग काम करते हैं। सर उनके नाम मिल जाएंगे? हाँ, डबल क्लिक करो, उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा डायनेमिक है, समझ आ गया। तो आपकी ग्रुपिंग दो ग्रुपिंग होगी, एक टेक्स्ट ग्रुपिंग, और तो सर क्या मैं इसको अपनी मर्जी से भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ, मैं 10 का ना करूँ क्या 15 का ग्रुपिंग कर सकता हूँ? आप 15 का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो 20 का भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो 30 का कर लीजिए ग्रुपिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने का ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं। आप चाहते हो 100-100 का ग्रुपिंग तो 100-100 का भी ग्रुपिंग बन जाएगा, बट डाटा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप, कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को, समझ आ गया इतना। तीसरी जो ग्रुपिंग होती है वो होती है डेट ग्रुपिंग, क्या होती है, डेट ग्रुपिंग, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और पाइवट टेबल पर लगा देंगे। जैसे ही मैं पाइवट टेबल लगाऊंगा अगेन आएगा, डेट को उठाऊंगा और यहाँ रख दूंगा, नेम को उठाऊंगा यहाँ रख दूंगा, क्लियर। मुझे ये पता करना है 2015 में कितने एम्प्लॉय आए थे, 2016 में कितने आए थे, 2017 में कितने आए, 2018 में कितने आए। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, कहाँ जाऊँगा, ग्रुप पे जाऊँगा। अब तीन ऑप्शन, सबसे पहले स्टार्टिंग डेट ही है और एंडिंग डेट ही है। ग्रुपिंग कैसे करनी है, मंथ वाइज, डे वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर, मैंने कहा ईयर वाइज कैसे करनी है मुझे, ईयर। तो मैं जैसे ही करूँगा तो 13 में कितने आए थे, 9 लोग आए थे, 14 में कितने आए, 61 आए, 15 में कितने आए, 28, 16 में कितने आए, 1 आए,
19 में कितना आया, 1000, तो टोटल मिला कितने एम्प्लॉई मेरे पास, 100। ठीक, मुझे मंथ भी चाहिए, तो राइट क्लिक ग्रुप मंथ, ओके। 2013 में नवंबर में 6 आए थे, दिसंबर में 3 आए थे, 2014 में जैन में 4 आए थे, फेब में 3 आए थे, मार्च में 7 आए थे। मुझे डेट भी चाहिए, तो राइट क्लिक कहाँ ग्रुप, और क्या चाहिए मुझे, डेट चाहिए। इन पर डबल क्लिक कर दो, तो जैसे आप इन पर डबल क्लिक करोगे ना, आपको एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। तो एक्सेल में कितने तरह की ग्रुपिंग होती है, 3 तरह की ग्रुपिंग होती है। पहली ग्रुपिंग का नाम क्या था, टैक्स ग्रुपिंग, दूसरी ग्रुपिंग का क्या नाम था, नंबर ग्रुपिंग, और तीसरी ग्रुपिंग का नाम क्या था, डेट ग्रुपिंग। तो आप कर सकते हैं, इसका यूज़ मैंने एक जगह करा था, मुझे कॉल सेंटर से एक रिपोर्ट बनाने के लिए आई थी, वहाँ पर उनको एक टीम का अरेंजमेंट करना था, लेकिन वो परेशान थे कि किस समय कितनी कॉल आती है, तो वो एक शिफ्ट से उठाकर दूसरी शिफ्ट में बंदे को डाल रहे थे। तो मैंने क्या करा, मैंने उनका इसी तरीके से एक चार्ट बनाया, बस मैंने इस पर राइट क्लिक करके एक वर्ड ऐड कर दिया था, आवर्स और मिनट, तो मुझे पता चल गया कि किस घंटे कितनी कॉल आई है और कौन सा टाइम उनके लिए कम्फर्टेबल है। जिसमें कम कॉल थी वहाँ से बंदे को कम कर दिया, और किस जगह डाल दिया जहाँ कॉल ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये आप किस जगह कर सकते हैं, एक्सेल के, अदरवाइज ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको इतनी डेप्थ में नॉलेज दे दे आपके डाटा की। और मैंने कल ही बोला था, पाइवट टेबल हमें क्या देता है, डाटा की क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर हो गया, तो आज हमने अपना ग्रुपिंग भी कवर कर लिया। इसके बाद एक्सेल के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वैल्यूएशन। आइए सीखते हैं। इंसर्ट पे गया, पाइवट टेबल, और एक नई शीट को क्रिएट किया, शीट नंबर 10 आ गया। इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ नेम को उठाया, यहाँ रख दिया, सैलरी को उठाया, यहाँ रख दिया। अब मुझे सैलरी का काउंट नहीं क्या चाहिए, सम, तो डबल क्लिक करूँगा, क्या कर दूंगा इसको मैं, सम, तो सबकी सैलरी आ गई। अमित कितनी सैलरी, मुझे इसको हटाता हूँ, ये हटा के मैंने हटा दिया, और यहाँ डिपार्टमेंट रख दिया, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में इतनी सैलरी। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने सभी डिपार्टमेंट की एक टारगेट फिक्स करा था। क्या फिक्स करा था मैंने सभी डिपार्टमेंट का, टारगेट फिक्स। मैंने यहाँ पर एक टारगेट नाम बनाया, क्या बनाया, टारगेट बनाया, इसका डिपार्टमेंट भी क्या रख दिया, टारगेट, और सबकी सैलरी टोटल बोल दी कि इन सभी की सैलरी 3 लाख या 5.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5.5 से। फिर मैं शीट नंबर 10 पे गया, राइट क्लिक करा और रिफ्रेश करा, तो टारगेट आ गया, कितना आ गया, 84,000 रुपये। अच्छा, मैंने एक्चुअली किस पे कर दिया था, मुझे इस पे करना चाहिए था सैलरी, मैंने बोनस पे कर दिया, राइट क्लिक रिफ्रेश, कितना आ गया, 5.5 लाख। अब मैं चाहता हूँ अगर किसी का टारगेट 5.5 लाख रुपए तक है तो वो ठीक है, लेकिन जिसका टारगेट 5.5 से ज़्यादा है वो मुझे यहाँ पर शो कर दे, तो मैं क्या करूँगा, सैलरी को उठाऊँगा, यहाँ डाल दूँगा, तो यहाँ काउंट ऑफ सैलरी आ गई। मैं क्या करूँगा, इस पर जाऊँगा और इसका सम रखूँगा, सम आ गया। उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक कर दो, यहाँ से मिल जाएगा शो वैल्यूज एज, क्या मिल जाएगा, शो वैल्यू एज, या फिर आप इसके नीचे एक एरो बटन है इस पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं, वैल्यू फील्ड सेट, और अगेन आपको वही टॉपिक मिलेगा जो आपका वहाँ। अब क्या करना है आपको, यहाँ आना है, इसके बाद मिलेगा, सबसे पहले आता है नॉर्मल, अभी क्या है आपका नॉर्मल, दूसरा आता है डिफरेंसेस फ्रॉम, तो क्लिक करा, मैंने कहा मुझे डिफरेंस पता करना है डिपार्टमेंट के हिसाब से और डिपार्टमेंट में टारगेट, तो ये मुझे बता देगा हमारा टारगेट कितना था, इसने खर्चा कितना करा, तो कितना काम है इसका, हमारा टारगेट कितना था लेकिन इसने ख़त्म कितना करा, तो इसने एक्सेस कर लिया, इसका टारगेट कितना था, इसने करा कितना, इसका टारगेट कितना था, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक टेबल मिल जाएगी।
ठीक है, जो आपको डिफरेंस बता दे। इसके बाद एक और टेबल ले लो किसकी, सैलरी की। यहाँ काउंट की जगह क्या कर दो, डबल क्लिक करके सम कर दो, और इस पर डबल क्लिक करके यहाँ चले जाओ। नॉर्मल डिफरेंस क्या आता है, परसेंटेज ऑफ, जैसी करो यहाँ पर क्या लेना, डिपार्टमेंट, और नीचे क्या कर देना, टारगेट। तो ये आपको बताएगा, क्या बताएगा कि अगर किसी का 5.5 लाख है तो 100% देगा, और किसी का उससे कम है तो कितना देगा, जितना होगा उतना देगा। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि इसने अगर 5,26,000 खर्चा करा तो उसने कितने परसेंट करा, 95% करा। इसने कितने परसेंट कर दिया, 151%। क्लियर है, तो परसेंटेज ऑफ ये बताता है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, इस पर डबल क्लिक कीजिए, कहाँ जाइए, सम पर क्लिक कीजिए, और फिर अगेन डबल क्लिक करके शो वैल्यू के अंदर एक होता है परसेंटेज डिफरेंसेस फ्रॉम, क्या ले लेना यहाँ से, डिपार्टमेंट, और क्या कर देना है यहाँ पर, टारगेट। जैसे ही करोगे तो बता रहा है कि तुमने इसका कितना परसेंट बोला, 100%, तो इसमें तुमने 4% कम करा, इसमें 51% ज़्यादा कर लिया, इसमें 52% ज़्यादा कर लिया, इसमें 93% कम कर। तो ये आपको परसेंटेज के अंदर बताएगा तुमने कितना कितना कम करा। इसके बाद तुम एक और ले लो उसके अंदर ही, डबल क्लिक सम, और यहाँ एक होता है रनिंग टोटल इन, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये रनिंग टोटल दे देगा, डिपार्टमेंट किसका रनिंग टोटल कर ले, सैलरी का। देखो ये रनिंग टोटल आ गया। रनिंग टोटल होता क्या है, सबसे पहले ये वैल्यू है यहाँ लिखी, उसके बाद इस वैल्यू में इस वैल्यू को प्लस कर दिया, ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब वो क्या करता है, वो सम कर रहा है, इसका सम इसके साथ इतना आएगा, फिर इन दोनों का सम इसके साथ, इन दोनों का सम इसके साथ, तो लास्ट जो वैल्यू होगी, जो इसका टोटल आएगा वही इसका टोटल आ जाएगा। इसे बोलते हैं रनिंग टोटल। तो आप करके देख लीजिए, आपको यही मिलेगा दिस, ठीक है। इसके बाद दिस प्लस दिस, तो बस इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ मेरा वैल्यू कहीं और चली गई है। ये ऐसे काम नहीं करता, ये फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझ आ गया। इसके अंदर हमारे पास एक और होता है, मैं इसी पर डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। रनिंग टोटल क्या होता है, परसेंटेज ऑफ रो, क्लिक करो तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। इस पर बस एक गलती हो गई, मुझे यहाँ पर जाना है रो, अच्छा ठीक है, इसको इस वाले को हटा दो, लास्ट वाले को 5 को। तुम किस पर करो, इस पर डबल क्लिक शो, और यहाँ क्या ले लो, परसेंटेज हो। तो तुम्हें ये मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ इश्यू कर रहा है इसलिए नहीं हो पाया, बाकी हमारे जितने थे वो मैंने आपको सब बता दिए, ठीक है। और मैक्सिमम यही इंटरव्यू के अंदर यूज़ किए जाते हैं वैल्यू वाला, ठीक है। कल एक क्लास आपकी और होगी पाइवट टेबल की, उसके अंदर हम एक्सेल के ऑप्शन सीखेंगे पाइवट टेबल के। अगर कहते हैं तो मैं अभी बताता हूँ, सबसे पहले आता है फील्ड हेडर, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपके जो हेडर थे वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हेडर वो आ जाएंगे। इसके बाद प्लस का बटन आता है, जैसे अगर आप कोई नाम उठा के नीचे लाते हो तो यहाँ पर प्लस का निशान आता है ना, आप चाहते हो ना आए तो यहाँ से हटा दो, चाहते हो तो आ जाएगा, ठीक है ठीक। एक बता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं कर्सर लेके जाता हूँ डाटा आ जाता है, हटाता हूँ तो फिर डाटा चला जाता है, मैं चाहता हूँ ये आए ना, तो यहाँ से किस पर कर देना, प्रीवियस, तो कभी आएगी बस चाहिए हो तो यहाँ पर जाके ले आना, क्लियर। इसके 4 स्टाइल हैं, यहाँ पर देख सकते हो, एक ये स्टाइल है इस तरीके से देख सकते हो, एक ये
ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से आता है, लास्ट वाला है इस तरीके से आएगा, एक आपका एरिया सिलेक्शन होता है इस तरीके से। तो आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं, बेसिकली यही वाला सबसे ज़्यादा चलता है तो यही यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद जो आता है, बाकी सभी टॉपिक मेरे लिए काम के नहीं है, मैं हटा देता हूँ यहाँ से और आपको फिर बताता हूँ, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है और ये काम का नहीं है, ये हटा दें। मुझे इसका क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, तो बस इस पर क्लिक करना, पाइवट टेबल चार्ट, और जो भी आपको कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट जो चाहिए उस पर क्लिक करो और ओके करो, उसका एक चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। क्या जाएगा, उसका चार्ट आपके सामने बन के आ जाएगा। ये चार्ट आपका बन के आएगा, आपको पाई चार्ट, इसके बाद चार्ट क्या स्टाइल है, जो आपका चार्ट पसंद आया वो चार्ट यूज कर सकते हैं और इसके साथ अटैच कर दो। जब ये चेंज होगा तो ये भी अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन के अंदर यहाँ तो ख़त्म कर रहे हैं, बस कल एक टॉपिक और करना है इसके अंदर आपको।